नमस्कार दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बहुत सही तरीके से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को या फिर कोई सोशल इशू को लोगों के सामने ला सकता है, और इसके पास इतना ज़्यादा पावर है इसलिए इस प्लेटफॉर्म को अब्यूज़ भी किया जा सकता है और लोगों को, पब्लिक को एक दूसरे डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। तो मुझे लगता है और हमेशा से लगा है, अगर किसी चीज़ में आप सफलता पाना चाहते हो, कोई मुद्दा को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी बना के चलिए। इसीलिए मैं ये नया सीरीज़ जो लाया हूँ वो है इस इंडस्ट्री में, मतलब फिटनेस न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है उस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी को एक डिफरेंट लेवल में ले जाने के लिए, ताकि लोग जो इसको, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, पर अब्यूज़ करने से पहले कुछ बार ज़रूर सोचेंगे। तो ये सीरीज़ का नाम है रियल टॉक, जहाँ पे मैं इंडस्ट्री के कुछ लीडर्स के साथ बात करूँगा जो अपने तरफ से और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ सवालों का जवाब देंगे जो मोस्टली मैं अपने व्यूअर्स से पाता हूँ। तो ये टफ से इजी सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि कुछ मेडअप क्वेश्चंस है कि आपका कंपनी कैसा है, क्यों इतना अच्छा है, आप इतना चीप में प्रोडक्ट लाते हो, वाह वाह, ऐसा नहीं है। हम टफ क्वेश्चंस रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे चैनल में, और ऐसा क्वेश्चंस जिसका आंसर हमें हमेशा मिलता नहीं है डायरेक्टली, वो सारे क्वेश्चंस का सवाल जवाब मिला के ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसका नाम है रियल टॉक। हमारे इस एपिसोड के गेस्ट हैं मिस्टर साहिल राव, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। तो चलिए उनको वेलकम करते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उसके ओवर जाऊंगा, और इसका ये पूरा सीरीज का जो रीजन है, मतलब ये करने का, ये पहले क्लियर कर देना चाहिए, वो ये है कि देयर शुड नॉट बी गैप। कि मुझे लगता है कि देखिए, YouTube हो गया या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए चलता है, इन्फ्लुएंसर्स लेके चलते हैं, पर डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर्स के वैल्यू के ऊपर वो किस डायरेक्शन पे व्यूअर्स को ले जाएंगे। और जब भी आप देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई किसी तरह से मिसलीडिंग होता है कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई कंपनी अब्यूज होता है कोई क्रिएटर के साथ, या फिर कोई क्रिएटर लोग मिलके, मतलब बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट समथिंग कैन बी डन, इट कैन ओनली बी डन इफ देयर इज लेस ट्रांसपेरेंसी। तो दैट इज माय एक्सपीरियंस। सो एनी प्लेस इफ वी क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, now that is good and bad, but I think good is what we should focus on. That's the purpose of this, that okay, now people can see, talk and ask question directly to the company owners, directors and whoever run it. So yes, then it's a big thing. That's what I think. So I thank you, because this is the pioneering episode and you have come here. So even I think it's a first for me also. Mere liye bhi pehla hi hai, matlab like kisi bhi YouTuber ke sath collaborate karna. नहीं नहीं अच्छा, मतलब ये मतलब क्या है, दर्शकों के लिए कुछ नया लाना, ठीक है? तो दर्शक सब जो भी यूज कर रहे हैं, या तो आपका प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना, तो मैं आपको जो इंटरव्यू ये चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ना इस इंडस्ट्री में हो, उस हिसाब से आप जॉब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो पर इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो इस हिसाब से। बिल्कुल। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि 30 मिनट्स का एक लिमिट है इसका रिकॉर्डिंग का, जल्दी से कर लेते हैं। तो मैं जो क्वेश्चंस के ऊपर जाऊंगा, पहले मैं धीरे से समझाता हूँ क्योंकि दर्शक को भी एक बार समझाना है। तो मैं आप पहले एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब आप जो लोग मालूम नहीं है जिनको, या फिर नए हैं एब्जॉर्ब के, एब्जॉर्ब कंपनी को देखने के लिए, तो आप उसके बारे में कुछ बता दीजिए, और आपके बारे में भी, आपका रोल और कैसे डे चलता है एब्जॉर्ब में उसका थोड़ा। So this group was started in 92-93 by Mr. S.S. Agarwal. The command is being taken care of by his son, that is Mr. Deepak Agarwal. Okay. And this was started as a dairy process. Jab start kiya tha to dairy process se start kiya tha. Gradually moved to malt based food and contract manufacturing. Correct. Abhi 2010-11 se contract manufacturing wagera hum kar rahe hain. Okay. To abhi usi mein zyada hai, aur abhi primarily hamare jo clients hai wo abhi पतंजलि है एंड ग्रोफर्स है एंड डाबर है, मोरपेन है, नेस्ले है, तो ये हमारे अभी लार्जली प्रोडक्ट्स है, और एब्जॉर्ब इज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ओनली। अभी एब्जॉर्ब हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया,
एंड आई हेड द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर ऑल द एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब ग्रुप एंड एब्जॉर्ब ब्रांड एंड इट इज बीइंग मेंटर्ड बाय मिस्टर अनीश कर्क who has a very sound knowledge, you know, he's the director for business development for the Continental Migos Group, and he has very sound knowledge on sports nutrition and overall, you know, health and fitness industry. Okay. Okay. Good. I mean, बहुत सारे info ऐसे मिल गए जो normally आपके website में नहीं मिलेंगे. तो वही right. goals, yes. अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब इतने सारे brands हैं इंडिया में, और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एवरी वीक एक नया ब्रांड आ रहा है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को लेके, क्योंकि ये एक जैसे प्रोसेस बन गया है, राइट? कहीं से आप या तो कोई मैन्युफैक्चर कहीं से करवाता है या खुद करते हैं, तो ऐसा जब प्रोसेस बन गया इतना आ रहा है, तो वहां पे अगर मैं आपको पूछूं कि एब्जॉर्ब खुद को अगर बताए नहीं इनसे एब्जॉर्ब डिफरेंट है, एब्जॉर्ब सेट्स अपार्ट, तो वो आप कैसे बताएंगे? So, absorb, जब हमने सेटअप करना था ना, तो we didn't set it up like, you know, कि आज हमने डिसाइड किया और एक हफ्ते में, दो हफ्ते में या फिर एक महीने में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देंगे. जस्ट बिकॉज सब बेच रहे हैं तो हम भी बेचेंगे, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था हमारा स्टार्ट करने का. हमारा बेसिक गोल ये था कि मार्केट में बहुत ज्यादा, मतलब लाइक क्वालिटी ड्रिवन प्रोडक्ट नहीं आ रहा है. प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत आ रहा है, और वो बल्क में आ रहा है, बट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है. देयर आर हैंडफुल जो करते हैं क्वालिटी, आई एम नॉट सेइंग कोई क्वालिटी कोई नहीं कर रहा, कर रहे हैं लोग जो क्वालिटी कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स भी कर रहे हैं क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रांड, बट क्वालिटी बहुत कम कर रहे हैं. बट उसी में वी वॉन्टेड टू इंश्योर कि ज्यादा मार्केट जो इतनी ज्यादा क्वालिटेटिव नहीं है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको नहीं देती है, वी नेवर वॉन्टेड टू, यू नो, बिकम अ ब्रांड की हम भी उसी में ग्रुप में अपने आपको आइडेंटिफाई. वी वॉन्टेड टू इंश्योर कि आपको गुड clean and quality product मिलेगा, which is certified for your label claim. आपका label claim वो match करेगा. आपको जो protein content चाहिए वो आपको मिलेगा. आपको जो protein आपको बोला गया है उसपे, जो label पे जो जो products हैं, हम even digestive enzymes भी हम mention करते हैं, हमने कितना डाला है, कौन सा डाला है. Market में बहुत से कम, बहुत players नहीं करते, वो सिर्फ लिख देते हैं कि हमने digestive enzymes इसमें डाला है, but ये नहीं बताते कौन सा डाला है, कितना डाला है और कितनी quantity में डाला है. ये हम जरूर मेंशन करते हैं. Correct. और एब्जॉर्ब की आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हमारी जो आरएनडी टीम है, दैट आरएनडी टीम इज, यू नो, वेरी हाई क्वालिटी टीम. आई मीन दे आर वेरी वेल सर्टिफाइड, बहुत ही मतलब लाइक क्वालिफाइड लोग हैं हमारी आरएनडी टीम में. एंड इट इज नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट इजी फॉर एनी आरएमपीएम सप्लायर टू बी पार्टनर विद अस. इट इज नॉट इजी, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस. आई मीन अगर आज किसी को कोई हमें अप्रोच करता है अपने वे प्रोटीन को लेके, तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months for him to actually be, you know, be partner with us. बिल्कुल easy नहीं है, बहुत सारे documentation लगते हैं, बहुत सारे उसे test reports वगैरह मंगाई जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई आज हम कोई भी कंपनी का ABC XYZ कंपनी का whey protein खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो हमें कोई सस्ता देगा, 150 rupees सस्ता देगा तो उसको ले लेगा. हम नहीं करते ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करते. एक प्रोडक्ट की ना जो एक डेफिनेशन है, वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमें डेविएट नहीं करना है. हम सस्ता प्रोटीन ले लें, पता लगे हम उसको डेविएट करते हैं, हमने प्रोडक्ट को, हम जो एक्चुअली में जो बनाना चाहते थे वो नहीं बनाया, लेकिन हम अपने मार्जिन पे देखने लग गए, वो चीज नहीं सोचते हम. प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए, हम दो पैसे फालतू लेंगे. हम उससे जितने और लोग बहुत सारे मार्केट में हैं जो सस्ता प्रोटीन भी देते हैं, बट हम उस में नहीं जाना चाहते. हम सस्ता प्रोटीन आपको चाहिए तो आप दूसरे ब्रांड से ले सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहता हम नहीं ला रहे, बट उस क्वांटिटी, उस क्वालिटी, उस परसेंटेज का प्रोटीन आपको इतना सस्ता हम अभी नहीं दे सकते. Okay. वो मार्केट में आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है वो लाना. क्योंकि और उसके बाद होता क्या है कि इतने सारे क्वालिटी टेस्ट, बैच कंट्रोल्स एंड ऑल दैट, यू नो, वो बहुत कुछ लगता है उसको करने के लिए. क्योंकि जितना भी आरएमपीएम हमारा जो आता है रॉ मटेरियल वे प्रोटीन का, डॉक्यूमेंटेशन तो हम अपने सप्लायर से लेते हैं, वो तो अलग है, बट उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं इन हाउस जो हम उसको करते हैं. जब तक वो पूरे के पूरे हमारी आरएनडी टीम सर्टिफाइड और पूरी एक अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाती आरएम को लेके या फिर रॉ मटेरियल को लेके, तब तक हम उसको ओके नहीं करते. बहुत मुश्किल है आरएम एसोसिएट करना उसके साथ. तो मतलब आपका क्वालिटी इज योर मेन थिंग, राइट? क्वालिटी एब्सोल्युटली. आप देखेंगे हमारे प्रोडक्ट के साथ, आप ऑथेंटिकेशन अगर जैसे ही कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करता है, तो उसको बैच रिपोर्ट दी जाती है, दैट इज पर्सनलाइज्ड बैच रिपोर्ट. वो सबको नहीं अवेलेबल होती, जिसने खरीदा होता है, जो वेरीफाइड जिसकी वेरीफाइड परचेज होती है, जो वेरीफाइड बायर होता है, वो उसी को सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट मिलती है. और वो टेस्ट रिपोर्ट इज नॉट आवर टेस्ट रिपोर्ट, हमारी इन हाउस नहीं होती, वो SGS की होती है. SGS इज अ वेरी रेनोन्ड NABL accredited lab, गवर्नमेंट accredited lab है.
वहां से वो थर्ड पार्टी टेस्टिंग होती है, और कभी भी आप उस जाके वहां पे वो आरएमपीएम को लेकर कभी भी उसको आप वेरीफाई करवा सकते हो उस बैच नंबर से कि प्रोडक्ट इज जेन्युइन। ओके, एक क्वेश्चन है, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन थोड़ा सीधा नहीं है, पर ये हमारे दर्शक का बहुत ज्यादा डिमांड का क्वेश्चन है, वो है आप कौन सा सोर्स करते हैं यू वे? हम बताना चाहते हैं, बट देन यू नो इनिशियली आई विल टेक यू सम टाइम बैक, यू नो जब हम जॉब स्टार्ट करना चाहते थे तो तब हुआ क्या था कि हमने बहुत सारे रिक्रूटिंग टेस्ट किए, इंडिया का किया, यूएस का किया, न्यूजीलैंड का किया, यूरोप का किया, ऑस्ट्रेलिया का किया, सबके किए, बट देन हमारी जो हमारी टीम थी जो जिन्होंने मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमारा जो डिजाइन किया है, वी फाइनली फाउंड आउट कि जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं ना उसमें एक सिंगल वे प्रोटीन को लेके बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को फिगर आउट करके। एक ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया, वे प्रोटीन ब्रांड को, रॉ मटेरियल को हमने सिलेक्ट कर लिया, और उससे प्रोडक्ट बनाना और कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली उससे प्रोडक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने जब अपने वो ब्रांड से बात करी तो उन्होंने हमेशा कभी ना कभी कोई सप्लाई चेन इश्यूज बताए हैं उनके बीच में आए हैं, कभी अवेलेबिलिटी का इश्यू आया है, कभी कोई कंसाइनमेंट इशू आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है लेकिन वहां से शिपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, होता क्या है कि वो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, वो कंटिन्यूटी ब्रेक होने से आपके प्रोडक्ट दो दो तीन तीन महीने आउट ऑफ द मार्केट नहीं रह सकते, बिकॉज आपके आपके कस्टमर्स बन चुके हैं, यू हैव टू एंश्योर कि आपके वो कस्टमर्स आपके हमेशा बने रहे। तो हमने जो भी अपने प्रोडक्ट, हमने जो वे प्रोटीन सोर्सेज हमने जो सिलेक्ट किए, बहुत सारे वे प्रोटीन हमने देखे हैं, प्रोवोन का, एवनलैक का, सपूतो है, आरला है, ग्लैनबिया, एवनलैक एंड प्रोवोन तो है, मिल्क स्पेशलिटीज है, एंड बहुत सारे वे प्रोटीन हमने टेस्ट किए हैं। तो हमारे जो भी हमने अभी दो तीन से चार वे प्रोटीन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जो हमारी आरएनटी टीम ने है, वो वाले वे प्रोटीन हमारे मतलब ऑलमोस्ट दे आर वेरी 19-20 है सब, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ देयर कलर। सो यू विल नेवर एवर फाइंड कि मार्केट में हमारा जो वे प्रोटीन अगर आज जो ले रहे हो और छह महीने या एक साल बाद आप जो लोगे उसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आपको दिखेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है डिविडेंट बिकॉज रॉ मटेरियल की सप्लाई का इश्यूज आ जाता है आजकल, जैसे कोविड का चल रहा है तो सब कुछ डिले चल रहा है, तो हमें हमारे पास एक दो सोर्सेज हमेशा रहने चाहिए जिसके की वी कैन ऑलवेज मैनेज आर यू नो वे प्रोटीन सोर्सेज, वो कंटिन्यूटी है सप्लाई चेन में कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वाई की ऐसा नहीं है कि हम मतलब लाइक वे प्रोटीन हम चाहते हैं, हम लेबल पे भी उसको डालना चाहते हैं, बट वी आर बीइंग फोर्स्ड टू बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्फिडेंस फ्रॉम आवर यू नो सप्लायर पार्टनर, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल अस बाय गिविंग अस यू नो कंटिन्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो हमेशा बोलते थे 6 महीने तक दे सकते हैं, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम। गॉट इट So that is the basic. ये हमें मालूम नहीं था, मेरा सोच कुछ डिफरेंट एंगल में था कि क्योंकि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ उनको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ये बताते हैं, तो मतलब ये जो है कि एक्चुअली सप्लाई चेन, अच्छा सबको सब मालूम है, सबको पता है, ओके सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली रीजन ये जो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी इज अ प्रॉब्लम, वी आर नॉट यू नो गिवन गारंटी, हमें गारंटीड सप्लाई की कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता किसी से भी बात। Got it. वो आ जाएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और वैसे भी मार्केट इज सो वॉलेटाइल, यू नो आई मीन आपको कुछ नहीं पता होता आज के बाद, यू नो कोई आपको आपसे बेटर प्रोटीन भी आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जिससे क्लोज करें, आज के 6 महीने बाद कोई ऐसा प्रोटीन लेके आएगा मार्केट में जो बहुत अच्छा होगा, हमें हम जो यूज कर रहे हैं वो उससे भी अच्छा होगा। करेक्ट। तो कस्टमर को हमने बेस्ट देना है, वो बेस्ट के लिए हम सिर्फ बेस्ट के पास ही जाएंगे। करेक्ट। सो व्हाट एवर प्रोडक्ट यू आर गेटिंग, मैं अपने कस्टमर्स को इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपको 80%, अगर आप 80% ले रहे हैं तो 80%, अगर आप 95% ले रहे हैं तो आपको 95% प्रोटीन मिल रहा है। नहीं वो that तो देखें, that is not our claim, that is a third party, that is a NABL accredited lab, lab claim कर रहे हैं। Right. ये थोड़ा मतलब आप कोशिश कीजिएगा इसको बस एक ही जवाब दें, मतलब क्योंकि इसका आंसर एक हो तो बहुत अच्छा है, वो है देखिए हर एक कंपनी मैनेजर से कहा उनका ना क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होते हैं पर या तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से चालू होते हैं या फिर होते होते एक प्रोडक्ट आता है जो उनका बहुत मतलब प्यारा सा प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, क्राउन ज्यूएल टाइप। तो ऐसा एब्जॉर्ब का अगर आपको बोलूंगा एक प्रोडक्ट का नाम बोलिए, जो भी वे हो, क्रिएटिन हो, जो भी हो, आप वो नाम बता दीजिए जो आपको वेरी क्लोज टू हार्ट है। मेरे सारे प्रोडक्ट मेरे क्राउन ज्यूएल है, बट आप एक में आपने बड़ी टफ सिचुएशन में डाल दिया मुझे एक प्रोडक्ट का पूछ के, बट हमने रिसेंटली लॉन्च किया है जीरो कार्ब आइसोलेट 95% राइट, व्हिच इज यू नो, सो आई वुड से दैट इज माय क्राउन ज्यूएल फॉर मी राइट नाउ, दैट इज माय क्राउन।
95 because that, that is something plus, we boost with off. The enzyme, right? Okay, with, right. Yes, yes. So that is something, you know, I would believe ki humne us pe bahut kaam kiya. Like, it took us around 5 to 6 months, you know. Humne bahut zyada homework kiya tha usko launch karne ke liye. We never wanted to launch a product jahan pe we felt like, you know, we will fall short of customer expectations, you know, because we wanted ki 95% agar hum bol rahe hain to 95% humne deliver karna. Correct. Uske liye humne bahut hamari R&D ne bahut homework kiya. Matlab like we went back to sources jahan pe wo source brand and not even the supplier of India but the source as well. We went to the source also. वहां से हमने बहुत कुछ हमने डॉक्यूमेंटेशन मंगाया, अराउंड 20-30 डॉक्यूमेंटेशन मंगाया, हमने खुद टेस्टिंग की, रिपीटेड टेस्टिंग्स की, सो दैट गलत तो नहीं आ रही है, सब ठीक आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. तो वो सब कुछ करने के बाद ही हमने 95% लॉन्च किया एंड वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड. वी हैव ट्राइड टू टिक दैट बॉक्स, यू नो, कि जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखाया रिसेंटली. बट फ्यूचर में बहुत सारे क्राउन ज्वेल्स आएंगे. ओके ओके ग्रेट. डेफिनेटली सही. और एक क्वेश्चन ये है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट अमेज़न से ले, और मुझे मालूम है अमेज़न में आप या आपका पेरेंट कंपनी ही सेलर हैं, पर अगर कोई अमेज़न से ले, जितना मैं जब खरीदा था अमेज़न से मुझे वो उतना मिला था एटलीस्ट, तो उसको ऑथेंटिक मिलने का गारंटी कितना है? देखो, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग टू माई कस्टमर्स दैट, यू नो, जहां भी एब्जॉर्ब बिक रहा है इस टाइम मार्केट में, पहली बात तो ऑनलाइन बिक रहा है, ऑफलाइन तो आपको मिलेगा ही नहीं, नोबडी विल गेट इट ऑफलाइन, आई कैन गारंटी दैट, यू नो, बिकॉज और अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट, देयर आर ओनली थ्री चैनल पार्टनर जहां पे वो बिक रहा है. एंड अमेजोन पे हम ही सेलर हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हम ही सेलर हैं, हमारी वेबसाइट तो लाइक वी आर ओनली सेलिंग इट फॉर ऑन वेबसाइट, तो वो तो हम अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं. अमेजोन पे भी वी आर नॉट गिविंग इट टू एनी डिस्ट्रीब्यूटर, एनी थर्ड पार्टी प्लेयर, जहां से आपको एब्जॉर्ब का प्रोडक्ट खरीदने को मिलेगा ऐसा नहीं है. अगर कोई बेच रहा है, प्लीज रिपोर्ट इट टू अस, वी विल ब्लैकलिस्ट दैट गाय, वी विल फॉलो दैट गाय एंड इंश्योर कि वो हमारा प्रोडक्ट बेचना बंद करे, बिकॉज मार्केट में मे बी वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने एक साल में इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा ब्रांड बनाया है अपना, तो मार्केट में बहुत सारा मतलब लोग हैं जो हमें मतलब लाइक थोड़ा सा आईब्रो रेस करके देख रहे हैं, तो बहुत लोगों की निगाह है. तो बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि हमारे तीन ही सोर्सेज हैं और तीनों के तीनों में एक अमेज़न है, अमेज़न पे हम सेलर हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हम ही सेलर हैं, एंड हमारी वेबसाइट पे भी हम ही हैं. और उसके बावजूद भी अगर आप खरीदने के बाद आपको फिर भी श्योरिटी चाहिए, तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन स्टिकर आता है, वो बैच कोड आता है, वो बैच कोड से आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप उसकी टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, आपको यू विल बी सर्टिफाइड कि हाँ जी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट. अभी जो क्वेश्चन है वो है थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे कहां से खरीदना वैसा नहीं, ये क्वेश्चन अपीयर कर रहा है कुछ लास्ट 6 मंथ से मेरे व्यूअर्स के अंदर से, और ये आता है एक डिफरेंट एंगल से. वो है कि जो कंपनी होते हैं, सोर्स कंपनी जो बनाते हैं, जैसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जिससे हम लोग लेते हैं, वो मैक्सिमम केस में अपने वेबसाइट में ये डिक्लेयर नहीं करते, और हमारे देश में भी नहीं कोई कर रहा है, कि अगर कोई वे प्रोटीन ले रहा है तो उनको ये मालूम होना है कि वो हलाल सर्टिफाइड है और कोशर सर्टिफाइड है कि नहीं, मतलब जो फैसिलिटी से बन रहा है, जो प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, तो इसके ऊपर उनका भरोसा कैसे हो सकता है? देखो, पहली बात तो कि हलाल एंड कॉशर सर्टिफाइड की जो आप बात कर रहे हैं, तो मोस्टली वे प्रोटीन मार्केट में हलाल एंड कॉशर सर्टिफाइड होते हैं, बट अगर किसी कस्टमर को कोई मतलब लाइक रिजर्वेशन है उसमें एंड ही स्टिल वांट्स टू अप्रोच द ब्रांड, ही शुड अप्रोच द ब्रांड एंड डिमांड फॉर द सर्टिफिकेट, एंड और मे बी ऑन हिज लेटर हेड और मे बी ऑफिशियल ईमेल आईडी से उनको कोई कंफर्मेशन मिल जाए, वो मिल सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब कोई आपको भी मेल करे, आप उनको जवाब दे सकते हैं, राइट? हम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें छुपाने वाली की बात है तो देंगे ना, बिल्कुल देंगे. करेक्ट, ओके ग्रेट. में कोई भी, और हमारी वैसे भी R&D टीम मतलब जब भी कोई काम करती है, तो आप मैंने जैसे आपको भी पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि 20-25 डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं किसी भी सप्लायर को हमारे साथ जुड़ने के लिए. इट्स नॉट इजी फॉर एनी supplier to be partner with us. और ये I can guarantee you, ये process will not change. वो आज start होगा तो 3-4 महीने लगेंगे किसी को हमारे साथ अगर जुड़ना है, तो overnight और maybe fortnightly कोई भी हमारे साथ जुड़ के अपना whey protein हम change नहीं कर रहे. That we can, I can assure you, I show my customer. तो at least for now, मैं अगर मतलब अगर आपका कोई protein ले रहा है, तो वो assured हो सकता है कि वो halal and kosher certified है, right? Definitely, definitely, definitely. Correct, okay.
I think that's a good suggestion given by you. We can also put it on our label theme as well. Yeah, I mean that people are heavily looking for companies to put it on the label, so confidence बढ़ता है. तो अभी उसके बाद मारिए कोई challenge करे, तब जाके आप जैसे बोले letterhead में आप पूछ सकते हो वगैरह. Not हाँ मतलब like official notification उसको customer करे. हाँ official communication उसको. हाँ पर एक standard हो तो अच्छा. People are actually looking for a standard. That's what I think. Yeah. आई थिंक आपके आप ही के वीडियो देख देख के और आपके जैसे जो यूट्यूबर कम्युनिटी है उनके वीडियो देख देख के हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने प्रोटीन पे हम ऑन ड्राई बेसिस नहीं लिखते थे, जस्ट प्रोटीन लिखते थे. राइट राइट. एंड वी सॉ सो मेनी वीडियोस एंड योर वीडियोस आल्सो व्हेनेवर यू गॉट द लैब रिपोर्ट टेस्टेड डन यू ऑलवेज मेंशन कि आई डोंट नो इफ द कंपनी हैज रिटन इट ऑन द एज इज बेसिस और ड्राई बेसिस. सो वी शिफ्टेड फ्रॉम एज इज टू ड्राई बेसिस बिकॉज there was a lot of queries, you know, that was being directed to us from our customers, you know, ki kya hai drive is pe hai kya agile is. Correct. So we nahi abhi to likha hota hai, dekha hu main. Ha right. Ha abhi wo sab pe likha hua aayega because there has to be crystal clear jo hai right, information right. Sab saaf samne honi chahiye aur Halal Kaushal ka jo humne suggestion diya, I will definitely take it up with my R&D team and tell them ki if we can get that logo also included in our label. Great. Awesome. Fantastic. Aur ek question hai wo bhi वो है एक्चुअली क्वेश्चन रेज होता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो हुए हैं उनके ऊपर, क्योंकि कोई भी लगा देता है आपका ग्रीन वाला लोगो वेजिटेरियन वे के ऊपर. पर एक क्वेश्चन रेज होके आ रहा है कि देखिए कुछ कुछ कंपनीज कुछ कुछ पार्ट ऑफ देयर प्रोसेसेस यूज रेने विच इज एनिमल रेने टू गेट द वे एंड मिल्क एंड ऑल दैट. नाउ द पॉइंट इज हाउ डू वी नो विच इज यूज, बिकॉज कोई लैब टेस्ट तो आएगा नहीं जो बताएगा कि एनिमल रन या वेज रन यूज हुआ है, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट होता है या फिर कैसे लोग भरोसा करें कि नहीं भाई ये वेज रन यूज हुआ है. सी नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज द सोर्स वे सप्लायर होता है जिससे कंपनीज खरीदती है वे, ही गिव्स देम ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू नो ओके, जहां पे ही सर्टिफाइज की दिस इज दिस वे इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यू नो माइक्रोबियल वे और राइट यू सेड यू नो वेजिटेरियन वे. There are two ways, you know, microbial and animal. Yes, animal yes. Rene, you know. So microbial is mostly followed in the cheese industry. Microbial is the microbial process is used, you know, to extract whey in the cheese industry. Because हमने USA, Australia से, New Zealand से, Europe से काफी जगह से हमने countries में बात करी है, तो 99% में आपको कह सकता हूँ हमें तो यहाँ पे जो vegetarian whey था. Correct. And animal rene वाली हमने बात सुनी. And I also, you know, happened to discuss with my some partners, you know, who are active partners with us, you know. So हमने उनसे भी discuss किया थोड़ा सा, मैंने भी research किया. तो मेरे को भी पढ़ के पता लगा कि जो animal animal रहने से extract करके whey निकाला जाता है, that is actually, you know, it comes out expensive. It's a very lengthy process and it's a very okay. I mean challenging process. तो जो microbe वाला process है, that is not only convenient. But it also is very good for your pocket as well. You know, oh, when you are buying okay. So I think the जो animal रहने वाल animal रहने के साथ जो whey ले रहे हैं, I don't know. हमने कभी लिया नहीं है, मुझे rate उसका पता नहीं है. But जितना मेरे sources से मुझे पता लगा, it's quite, you know, it's expensive. It's expensive than the normal whey protein, okay, which is being okay. extracted from the microbial रहने process. So it kind of defeats the financial purpose also. So in that right, absolutely. Great. अच्छा तो अच्छा अभी ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं जितना मेरा कवर करना था. आई एम सॉरी आपको ज्यादा देर रख रहा हूँ इसलिए. तो नो प्रॉब्लम. दो क्वेश्चंस है. एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी तक आपका जो पोर्टफोलियो मैं देखा हूँ गौर किया हूँ कि आपका इनिशियली वे प्रोटीन में देखा था दो या तीन रेंज थे, फिर जाके आप आइसोलेट में एक स्टेप करके अभी 95 प्लस लाए हैं, फिर जाके जैसे क्रिएटिन है आपका. तो फ्यूचर आपका मतलब फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स रेंज तो बन गए हैं, फिर जाके कंपनीज कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं. और मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसलिए कि जब मैं देख रहा हूँ कि इनोवेशन करने के नाम पे या फिर इनोवेशन करना है इसलिए कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो बेसिकली हेल्दी नहीं है. फूड सप्लीमेंट बोल के बेचा जा रहा है पर उसमें ज्यादा ज्यादा कलर डालो, ये बनाओ, मतलब उसको दिखने में अच्छा बनाया जा रहा है इनोवेशन के नाम पे, रादर देन एक्चुअली इट्स समथिंग दैट एक्चुअली एनहांसेस यू मेक्स यू अ हेल्दियर पर्सन. तो उस हिसाब से अगर आपका डायरेक्शन है तो किस डायरेक्शन में है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई एंड टेल माय कस्टमर्स, हम आपको बहुत सुन रहे हैं. आप जितनी ईमेल्स आती हैं, आपके जितने फोन कॉल्स आते हैं, आपके जितने एसएमएसेस आते हैं, आपके जितने व्हाट्सएप आते हैं,
हम सबको सुनते हैं, ऐसा नहीं है एक भी व्हाट्सएप आपका या फिर एक भी एसएमएस आपका, कोई आपका ईमेल विल नॉट गो अनरीड, यू नो वी पे हीड टू ईच एंड एवरी ईमेल. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमने जो भी अभी तक बनाए हैं या फिर हमने उसको लॉन्च किया, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक. इनिशियली हमने अपने मतलब लाइक ट्रेंड को देख के, अपने कट को देख के हमने लॉन्च किया था, बट आफ्टर दैट व्हाटएवर प्रोडक्ट्स वी आर लॉन्चिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक. आप लोग हमें फीडबैक देते हैं कि आप हम एब्जॉर्ब से हम ये वाला प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, ये वाला प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, वही लॉन्च करते हैं. प्लस हमारी एक स्ट्रैटेजी रही है कि हम कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा कंज्यूमर्स. यू अंडरस्टैंड कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लेवल क्लेम पे बहुत अच्छे से डायनेमिकली बहुत डायनेमिकली हमने बहुत कुछ उस पर प्रेजेंट कर दिया, बट अल्टीमेटली उसका कोई वैल्यू नहीं है कंज्यूमर को. वो खरीद रहा है लेकिन बॉडी में कोई उसका हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब विल नेवर लॉन्च समथिंग लाइक दैट. जैसे आपने बोला, मैं यही कहूंगा कि आप नहीं देखोगे ऐसा कुछ प्रोडक्ट जो एक कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहा है. वो खा रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि उसका कोई यूज नहीं आ रहा है, उसकी बॉडी में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. वैसा प्रोडक्ट आप एब्जॉर्ब से कभी नहीं देखेंगे. इट्स ऑलवेज बीन आवर यू नो मोटिव एंड दैट्स ऑल्सो मोटिवेट अस टू लॉन्च यू नो प्रोडक्ट्स व्हिच एक्चुअली एड्स वैल्यू टू द कस्टमर. यू नो कि वो एक बार जब एंड ऑफ द डे जब वो एक बार खाएगा, जब वो यूज करेगा एक डब्बा दो डब्बे एक दो महीने यूज करेगा, उसको पता लगना चाहिए कि बॉडी में चेंजेस हुए हैं. आई मीन he has to take you know all the he has to take care of the things like diet, exercise and right everything. But it has to be like that only, you know. The product has to add the value to the consumer and not be opposite of that, you know. Ki bana ke gimmick karke bech diya but at the end of the day wo fulfill nahi ho raha, wo nahi karna cha rahe. Correct. Wo kabhi hoga bhi nahi. Good to know. Aur karte honge, hum nahi kar sakte. Sorry. ग्रेट. अच्छा अभी हम आ गए लास्ट क्वेश्चन में, मतलब एटलीस्ट ऑफिशियली लास्ट क्वेश्चन यही मेरे लिस्ट में है. वो है कि जैसे एक डिबेट है और मैं जब से मेरा चैनल चालू हुआ है मैं उसी के ऊपर आप कह सकते हो लड़ता रहा हूँ. लोग मुझे उल्टा कहते हैं पर मैं फिर भी लड़ता रहा हूँ कि हमारे देश का कैपेबिलिटी है प्रोडक्ट बनाना, एंड प्रोडक्ट रिटेल प्रोडक्ट बनाना जो कि बाहर के कंपनीज के साथ फाइट कर सकते हैं कि उससे अच्छा भी बना सकते हैं. पर ये मेरा सोच है. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है इंडिया का जो आपका कंपनी हो गया एज ए, आपका कंपनी का भी बात बताइए और उसके साथ साथ आपको लगता है एज ए इंडस्ट्री सप्लीमेंट इंडस्ट्री हम किस क्वालिटी का चीज बना रहे हैं जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट की, क्योंकि हमारे देश में अभी इंटरनेशनल मार्केट क्या सब आ रहे हैं क्योंकि इंडिया एक बिग मार्केट है. राइट, कोई भी कुछ ले लेगा, किसी को कुछ समझा देना बहुत ईजी होता है. तो पर उनका क्वालिटी और हमारे क्वालिटी हम क्या फाइट कर सकते हैं उस हिसाब से. आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट भी किया, मैं क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन में आंसर मुझे मिल गया है. बट देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड टू दैट कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब इंडिया में इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ मार्केट विच इज यू नो मेक्स अ प्रोडक्ट विच मेक्स अ वे सप्लीमेंट वे प्रोडक्ट विच इज एज गुड एज यू नो इंटरनेशनल प्रोडक्ट. आप देखोगे आज से 4-5 साल पहले मार्केट कुछ और थी, सारे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट की तरफ भागते थे कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कोई भरोसा नहीं है. नोबडी हैज एक्सपीरियंस ना, ऑब्वियसली किसी को एक्सपीरियंस भी नहीं था. इंडिया इज अ न्यू मार्केट इन टर्म्स ऑफ यू नो वे सप्लीमेंट एंड ऑल दैट, यू नो इट्स वी आर नॉट अ इवॉल्व्ड मार्केट, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आपने देखो अब ऑन इंडिया में बन रहा है, आप देखोगे जीएनसी इंडिया में बना रहे हैं. राइट, जितने भी इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं वो सब लब्राडा भी बन रहा है शायद. लब्राडा भी आई डोंट नो लब्राडा के बारे में, बट ऑन एंड जीएनसी तो अब तो लेबल पे भी लिख के आ रहा है. हां बन रहा है, ठीक है ना, आपको पता ही है उसपे. तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि जितना भी हम रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं वो सारा हम यूएस से करते हैं और यूएस वाले कंपनीज भी यूएस से ही सोर्स ले रही है. एटलीस्ट आई कैन अश्योर यू कि जो सोर्स जो वे सोर्स हम ले रहे हैं और जो वो ले रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें. बिकॉज अब सब कुछ ओपन हो गया मार्केट, सबको पता है कौन किससे वे सोर्स ले रहा है, कौन सा ब्रांड से यूज करता है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन कहाँ से सोर्स करता है, सबको पता है उसके बारे में. एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप देखोगे अगले 1-1.5 साल में. एंड वैसे भी अभी रिसेंटली मैंने ट्रेंड कहीं पढ़ रहा था कि इंडियन वे सप्लीमेंट्स दे हैव ओवरटेकन द मार्केट ऑफ यू नो इंटरनेशनल ब्रांड्स यू नो इन इंडिया. एटलीस्ट अगर इंडियन ब्रांड्स ज्यादा बिक रहे इंटरनेशनल ब्रांड्स से इंडिया में, सो दैट मीन्स कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस इंडियन ब्रांड्स पर बढ़ रहा है. राइट, जो उनको एंड प्रोडक्ट जो उनको सेटिस्फेक्शन एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट से चाहिए था वो उनको इंडियन ब्रांड से मिल. करेक्ट. सो मुझे लगता है कि हार्डली आने वाले 1-1.5 साल में आप देखेंगे कि
कोई प्रोडक्ट कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड बाहर से इम्पोर्ट करके अपना प्रोडक्ट डबल प्राइस पे नहीं बेचेगा, जो आज के टाइम पे हो रहा है. बट वो ग्रेजुअली, बिकॉज प्राइस इज ऑल्सो समथिंग यू नो विच दे फील लाइक कि इंडियन कंज्यूमर्स इज समथिंग यू नो दे ब्रांड ऑल्सो वॉन्ट टू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स जो उनकी बजट उनके उनके पॉकेट में फिट. सो उनको भी पता है कि इंडियन प्लेयर्स उनसे मार्केट ले रहे हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. और ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे सब इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में ही बनाएंगे सब. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास फैसिलिटीज है. अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑन जीएनसी जो इंडिया में अभी बना रहे हैं तो वो नहीं बनाते. उनको पता, उनको भी समझ में आता कि यहाँ पे कैपेबिलिटी है, इसीलिए हम उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी. दे हैव ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी और इंडिया में अब बन ही रहे हैं इंटरनेशनल. मुझे लगता है आई कैन टेल माई कस्टमर्स. हाँ श्योर, गो अहेड. या प्लीज. सो आई कैन टेल माई कस्टमर्स दैट यू बी रेस्ट एश्योर्ड, आने वाले टाइम में इंडिया का ही बोलबाला होगा इंडियन वे सप्लीमेंट्स में. अब इंडिया में आगे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ही आगे होंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ही आगे आपको दिखने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे वो सब क्वालिटी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है जो एक इंटरनेशनल ब्रांड में आपको कॉन्फिडेंस में दिखता था, वही आपको कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन ब्रांड में. ग्रेट. तो एक्चुअली मैं ये ऐड करना चाहता था कि आप जो बोले उसी लाइन पे कि मतलब अभी जो अवेयरनेस है हमारे कंट्री में सप्लीमेंट लेके, मुझे लगता नहीं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इवन कोई इंटरनेशनल मार्केट में भी उनके कंज्यूमर के अंदर इतना अवेयरनेस है. यहाँ पे जो बन गया है ना एक अजीब सा अवेयरनेस का, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, पर अवेयरनेस बढ़ रहा है. मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं. बट मैं अभी भी मेरे सर्कल में खुद कुछ ऐसे कंज्यूमर्स और कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब दे डोंट रिलाई ऑन इंडियन ब्रांड, दे फील लाइक इंटरनेशनल इज इंटरनेशनल. वो एक माइंडसेट. हां राइट राइट. वो माइंडसेट है. आप देखोगे एंड्रॉइड एंड एप्पल, जो एप्पल का कस्टमर है वो एप्पल में रहता है, एंड्रॉइड वाला एंड्रॉइड में रहता है. सो वो माइंडसेट रहेगा हमेशा. राइट राइट. सो वो चलता रहेगा. करेक्ट करेक्ट. मेरा मेरे साइड से कोई क्वेश्चन नहीं है ना. मैं आपको बहुत धन्यवाद कहूंगा कि एक वीकेंड में आप आए और ये जो पूरा कंज्यूमर बेस है ना, जो एब्जॉर्ब लेते हैं जो नहीं लेते हैं, सबके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके मिल गया मुझे लगता है. और ये पायनियरिंग एपिसोड है, मुझे लगता है लोगों को अच्छा भी लगेगा. आपको अगर कुछ ऐड करना है बिफोर वी एंड दिस सेशन, आप ऐड कर सकते हैं जो आप अपने कंज्यूमर या फिर जो कंज्यूमर नहीं है हो सकते हैं फ्यूचर में उनके लिए कुछ बहुत बता सकते हैं. मैं सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने कंज्यूमर्स के, आप मेरे कंज्यूमर्स के क्वेश्चंस लेके आए और मैं उन कंज्यूमर्स के क्वेश्चंस को मैं रिप्लाई रिवर्ट कर सका. और मे बी मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे सेशन करते रहने चाहिए. और सारे ब्रांड्स हैं उनको भी ओपन अप होना चाहिए और सबके स्पोक्स पर्सन या फिर कोई भी somebody who can take questions and give them, you know, the confidence to the customers, you know, because ultimately confidence तभी आएगा जब सब ट्रांसपेरेंटली मार्केट में ऑपरेट करेंगे. एंड आई थिंक एब्जॉर्ब एज अ ब्रांड, आई कैन अश्योर यू, कोई कस्टमर अगर हमारी फैसिलिटी कभी विजिट करना चाहता है तो कर सकता है. हमारे मतलब ब्रांड की कोई टेस्टिंग कुछ भी मतलब उसमें R&D करवाना चाहता है तो कर सकता है, बिकॉज वी आर ट्रांसपेरेंट. हमने कुछ भी नहीं छुपाया है, मतलब जो भी है आपके सामने रखा है. एंड आई कैन अश्योर माई कस्टमर कि एब्जॉर्ब विल कंटिन्यू टू लिव अप to your expectations, you know, in future as well. And we will ensure ki aise sessions hote rahein. Jitne zyada questions aayenge, hum utne zyada improve honge. Great, great. Nahi, ye bahut positive attitude hai. Right, right. It has to be there only. I mean, jab aap अच्छे से business कर रहे हैं, जब आप customers को अच्छा product दे रहे हैं, जब customers उस product की मतलब देगा आपको confidence भी दे रहे हैं वापस, जब उसको इतना प्यार दे रहे हैं उस product को, तो आपका भी मतलब नहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू हैव टू शेयर यू नो ईच एंड एवरीथिंग विद योर कस्टमर. एंड आई फील लाइक वी हैव नथिंग टू हाइड. ग्रेट, ऑसम. सो फिर से थैंक यू वेरी मच. और आप यहाँ आए, ये थैंक्स आप मुझे बोले, बट एक्चुअली इट्स माई प्लेजर टू बी हैव यू हियर. थैंक यू. सो आई वुड विश यू अ हैप्पी वीकेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीकेंड. एंड यस, इट्स ऑलरेडी वीकेंड. टॉक टू यू सम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो अगेन. श्योर श्योर श्योर. या.